डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटेनिक क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर एक नए यूनिट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूनिट बहुत बड़ा है और मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में अच्छा खासे क्वेश्चन पूछा जाता है। उस यूनिट का नाम है ब्रेक, डायनेमोमीटर, क्लचेज एंड बियरिंग। तो यूनिट 4 होगा मेरे सिलेबस के अनुसार। नाम क्या है? ब्रेक्स, डायनेमोमीटर, क्लचेज एंड बियरिंग। ये सारे के सारे मशीन के पार्ट है, सबके बारे में एक एक करके हमको डिटेल एनालिसिस करना है। ब्रेक का नाम तो सब कुछ सुनोइएगा, क्लच का नाम तो सब कुछ सुनोइएगा, बियरिंग का नाम सब कुछ सुनोइएगा, डायनेमोमीटर आपके लिए एक नया वर्ड होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हम लोग फोकस ब्रेक पे करेंगे। ब्रेक क्या होते हैं, ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं, कितना ब्रेक पंप फोर्स लगाएंगे ताकि गाड़ी मेरा स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हम कोई आर्टिफिशियल यानी बाहरी फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर किसी मूविंग बॉडी को हम लोग स्टॉप करते हैं या उसके मोशन को कम करते हैं, यानी रिट्रार्डेस करते हैं। रिट्रार्डेस का मतलब होता है उसके एक्सेलरेशन को कम करना। जैसे आप पढ़ के आए होंगे, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को मंदन कहते हैं, यानी नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, यानी उसका वेलोसिटी को कम करते हैं। तो आपको सिंपली समझ में आ गया, ब्रेक एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हम एक्सटर्नल आर्टिफिशियल फोर्स लगाकर, बाहरी फोर्स लगाकर किसी बॉडी के मोशन को कम करते हैं या बॉडी को स्टॉप करने का काम करते हैं। ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? ब्रेक का मेनली जो सिद्धांत है कि जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी चक्का में देते हैं, जो व्हील के पास, गाड़ी के इंजन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ब्रेक उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उस हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, या ब्रेक के चारों तरफ ब्रेक आयल रिमूव करते हैं उसको सप्लाई कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो चलती ही गाड़ी के पास कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, और उसी काइनेटिक एनर्जी को यह क्या करता है? हीट एनर्जी में बदल कर सप्लाई कर देता है। तो सिंपली ब्रेक का काम समझ में आ रहा है। फिर ब्रेक के जो लाइनिंग होते हैं, यानी ब्रेक का जो मटेरियल बना होता है, जो रिम के साथ सड़ता है और रिम चलते हुए रहता है, जैसे आप देखोगेगा कि ये चक्का है साइकिल में देखिए, और यहां पे हम लोग एक रबर का शू लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? रबर लगा देते हैं। और ये रबर क्या करता है? बाहर वाले ब्रेक तार से कनेक्टेड होता है। जब हम ब्रेक को दाबते थे, रबर आगे इसमें क्या करता है? टच करता है, और टच करने के बाद इसको रोकता है। तो जो मेरा ये मटेरियल बना होता है इसके सरफेस पे, इसको ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक लाइनिंग। अगर उसके पास फ्रिक्शन नहीं होगा, क्या इस चक्का को रोक पाता? नहीं रोक पाता। तो यानी जो ब्रेक का मटेरियल बना होना चाहिए, जो ब्रेक होता है उसका जो मटेरियल होना चाहिए, उसके पास फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए, जो इस चक्का के साथ सट कर अच्छे से ग्रिप बनाए और गाड़ी को रोक सके। तो जब ये तेजी गति से चल रहा था, जब यह सटेगा तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा? ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदलेंगे, और वही हीट एनर्जी एटमोसफेयर में क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग आज लिखेंगे किसका? ब्रेक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक, ब्रेक क्या है?
एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस था। लिखेंगे ब्रेक इज ए मैकेनिकल डिवाइस, ब्रेक इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच अप्लाइड एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सटर्नल और आर्टिफिशियल फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब वो बाहरी बल, यानी आर्टिफिशियल का मतलब वो बनावटी बल। एक्सटर्नल आर्टिफिशियल और एक्सटर्नली एक्सटर्नल फोर्स टू ए मूविंग व्हील, चक्का और बॉडी इन ऑर्डर टू स्टॉप द व्हील और रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है उसके मोशन को क्या करना, कम करना। रिट्रैक्ट द मोशन ऑफ मशीन, रिट्रैक्ट द मोशन ऑफ मशीन। कंप्लीट आ गए। ब्रेक क्या है? एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, जिसमें आप किसी मूविंग व्हील चक्का के ऊपर आर्टिफिशियल फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको स्टॉप करने का काम करता है, या रिट्रार्ड, रिट्रार्ड का मतलब उसके मोशन को कम करने का काम करता है। बोला कि ब्रेक जो मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करता है, एटमोस्फेयर में डिस्पैच कर देता है, एंड फेंक देता है। तो लिखेंगे द ब्रेक एब्जॉर्ब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी एंड डिस्पैच एंड डिस्पैच का मतलब बदल देना, डिस्पैच इन द फॉर्म ऑफ हीट, डिस्पैच इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी क्या चीज में बदल देता है, डिस्पैच करता है हीट के रूप में, कहां पे, एटमॉस्फेयर में, डिस्पैच इन द फॉर्म ऑफ हीट इन एयर ऑफ सराउंडिंग और वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द ब्रेक। ये जमाना पहले का था कि जब ब्रेक के चारों तरफ हम वाटर को सर्कुलेट कराते रहते थे ताकि जो हीट एनर्जी डेवलप हो उसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे और ब्रेक मेरा जलने नहीं बच के रहे। अब तो जमाना हाइड्रोलिक ब्रेक का हो गया है जिसमें हम लोग ब्रेक ऑयल यूज कर देते हैं और प्रेशर से रुकता है। सिंपली हम लोग ब्रेक का डेफिनेशन समझ रहे थे और बताया कि ब्रेक एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, किसी मूविंग बॉडी के ऊपर आर्टिफिशियल या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको स्टॉप या रिट्रैक्ट करता है। ब्रेक करता क्या है कि जो ब्रेक, जो मूविंग बॉडी होते हैं उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं उससे हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस हीट को यहां पे फेंक देते हैं, एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब हमको टॉपिक बनाना है
कि जो ब्रेक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसके पास क्या गुण होना चाहिए। तो टॉपिक बनाएंगे मटेरियल यानी कैरेक्टरिस्टिक फॉर मटेरियल यूज इन ब्रेक। टॉपिक बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल यूज्ड इन ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग का मतलब जो सरफेस ब्रेक यानी व्हील के संपर्क में आता है तो जो लाइनिंग बना होता है जिसके कारण वो रोक पाता है उसको ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं। जो सरफेस व्हील के संपर्क में आता है देखते हो उस पर रुखरा होता है। कभी बाइक सर्विसिंग में ले गए होइएगा तो देखते होइएगा जो ब्रेक के अंदर व्हील होते हैं ना जो ब्रेक अप्लाई करता है उसको रगड़ता है यानी उसके ऊपर लाइनिंग बनाता है ग्रिप बनाता है ताकि फ्रिक्शन डेवलप हो। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या बहुत ज्यादा मात्रा में हीट डेवलप करने वाला होना चाहिए? नहीं, ज्यादा मात्रा में हीट डेवलप करेगा तो मटेरियल क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ गुण है जो एक एक करके लिखेंगे। फिर इसके पास जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक क्या करे फ्रिक्शन अप्लाई कर सके और जिसके कारण व्हील रुक जाए। तब पहला लिखेंगे इट शुड हैव हाई कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके पास क्या होना चाहिए, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का मान काफी अधिक होना चाहिए और ये चेंज भी नहीं करना चाहिए। ऐसे तापमान बढ़ा था ऐसा नहीं हो, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का मान क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विथ रिमेन कॉन्स्टेंट, विथ क्या होना चाहिए, हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर। अगर तापमान बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का भी मान बदल जाना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इसका मान बदलना नहीं चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक है। इसके पास हीट से लड़ने की कैपेसिटी अधिक होना चाहिए यानी जल्दी जलना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे ब्रेक आप सुनते होगा कार में कि ब्रेक जल गया क्या, जो आवश्यकता से ज्यादा हीट डेवलप हो गया और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका सोल जो था रब कर गया। तो सेकंड लिखेंगे इट शुड हैव हाई हीट रेसिस्टेंस कैपेसिटी। हीट से लड़ने की कैपेसिटी क्या होना चाहिए, काफी अधिक होना चाहिए। फिर हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी जिसको हीट डिसिपेशन बोलते हैं वो भी क्या होना चाहिए, काफी अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काफी अधिक होना चाहिए। हीट डिसिपेशन कैपेसिटी क्या होना चाहिए, काफी अधिक होना चाहिए। तो लिखेंगे इट शुड हैव हाई हीट डिस्पेसिटी, हीट डिस्पेसिएशन कैपेसिटी। डिस्पेसिएशन कैपेसिटी इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी हीट को बाहर फेंकने का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, काफी अधिक होना चाहिए। यानी जब काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदला तो एयर में सप्लाई जल्दी कर दे ताकि उसके पास हीट कम रहे।
इसका वियर टियर रेट क्या होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए, इट शुड हैव लो वियर एंड टियर रेट। ऐसा ना हो कि ब्रेक बहुत अच्छा है और 15 दिन पर 20 दिन पर हमको बदलना पड़े, हमेशा घिस जा रहा है, साइकिल में भी बर्बाद हो जाइएगा। रबर जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो कम घिसे और ब्रेक अच्छे से अप्लाई करे। फिर इसके पास मजबूती होना चाहिए, यानी एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए, जितना उसको मजबूती चाहिए उतना होना चाहिए। तो पांचवा लिखेंगे, इट शुड हैव एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यानी मजबूत भी होना चाहिए, सॉफ्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि वह रुक सके 10 दिन 15 दिन तक, वह बर्दाश्त कर सके, लोड को एब्जॉर्ब कर सके। और हम जानते हैं कि ब्रेक ऐसे जगह पर आता है जहां पर हमेशा पानी हवा गर्दा पड़ते रहता है, तो ब्रेक ऐसा भी होना चाहिए जो डस्ट से, मॉइस्चर से यानी नमी से प्रभावित नहीं हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि एक तरह में जब पानी पड़ा तो वो गल गया, खराब हो गया, तो ऐसा भी होना चाहिए। लिखेंगे छठा पॉइंट, इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, डस्ट, ऑयल इटीसी। यानी ब्रेक लाइनिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जिस पर पानी से कोई प्रभावित नहीं हो और पानी से कोई प्रभाव नहीं डाल सके। ये था मेरा कि जो ब्रेक लाइनिंग बना होगा, ब्रेक का सरफेस बना होगा, वो किस मटेरियल का बना होगा और उसका गुण कैसा होना चाहिए। कोई भी मटेरियल का हो, लेकिन सारे गुण जो मटेरियल रखेगा उसी का हम ब्रेक लाइनिंग बनाएंगे, जो फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप करे, मजबूत हो, पानी से प्रभावित नहीं हो, हीट को डिस्पेसियस कर दे और हीट को क्या करें, एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके। तो ये सारे गुण जिसमें होंगे उसी का ब्रेक लाइनिंग बनाएंगे। अब टॉपिक लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक का क्लासिफिकेशन। ब्रेक को बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो हमको इलेक्ट्रिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक अभी नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने हैं कौन सा ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक। जब 5th सेम में चलेंगे ऑटोमोबाइल में, तो वहां पे हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो टॉपिक बनाएंगे हम लोग टॉपिक क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक, कहानी छोड़ देना है, इसका पढ़ना है, किसका पढ़ना है, मैकेनिकल ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक रेडियल ब्रेक का नाम है एक्सियल ब्रेक। रेडियल ब्रेक को भी दो ग्रुप में बांटा गया है,
रेडियल वेयर को कितने ग्रुप में बांटा गया है? दो ग्रुप में बांटा गया है। सू ब्रेक और इसका नाम दूसरा है ब्लॉक ब्रेक। दूसरे का क्या है? बैंड ब्रेक। सू ब्रेक का ही दूसरा नाम है ब्लॉक ब्रेक, दूसरे का क्या है? बैंड ब्रेक। इसके दो भी क्लासिफिकेशन है, एक का नाम है डिस्क ब्रेक। ये सब बाइक में खरीदवाता है, जहां पे रोको वहीं पे रुक जाएगा। और दूसरी का है कोन ब्रेक। इस सारे ब्रेक के बारे में हमको लगभग लगभग पढ़ाई करना है। सू ब्रेक में ज्यादा पढ़ना है, बैंड ब्रेक पढ़ना है और डिस्क ब्रेक पढ़ना है। तो सारे ब्रेक हमको स्टडी करना है एक एक करके, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग सू ब्रेक लेके आएंगे और सू ब्रेक में जानेंगे कि कितने केस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, कैसे उसका एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हम कम फोर्स लगाकर गाड़ी को रोक सकेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।